मॉर्निंग गाइस, सुबह मेरी हो चुकी है और कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली है। बादल तब चेक करो, स्काई कितनी ज़्यादा ग्रेश हो गई। ओह माय गॉड, हेलो ब्रूटस, हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरी ग्रे हो रहा है वेदर। आई डोंट नो कब तक ऐसा ही वेदर रहेगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, बट ठंड है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। सबके लिए एक वाइट शॉट। अभी चलते हैं वापस अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। और यहाँ बन रही है जो मेरी ब्लैक कॉफ़ी, और अभी हम बनाएंगे ब्लैक कॉफ़ी। और फिर आराम से मैंने अपना हीटर सेटअप कर लिया है हीटर को, और उसके बाद हम यहाँ बैठ के भी अपने यहाँ बैठ के करेंगे आज की दुआ, आज की प्रेयर। जैसे कि मैंने अपने पहले सबको बताया, मेरा 1 ईयर कोर्स है, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल पढ़ती हूँ कि वो ज़रूरी है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, दिन हो गया है तो थोड़ा सा फील तो होना चाहिए ना यार कि दिन हो गया तेरा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो जी फाइनली हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:20 पे। मैं तकरीबन उठी थी 11 बजे, हाँ 11 बजे उठे, और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, क्योंकि बाहर का मौसम है बहुत ज़्यादा ग्रे ग्रे मोड में कल से। और कल मैं सारा दिन मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद मैं अपना वार्डरोब ठीक करने लग गई। आप आज के जो आपका व्लॉग आएगा उसमें देखोगे, तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की। और मेरे कज़न का मैसेज है, क्या हुआ सुबह से कहाँ है? तो फिर मैंने उसको बताया मौसम, आज धूप ही नहीं निकली ना, तो मेरा मन भी नहीं आज निकला। तो मैंने कहा मैं कल की वेट कर रही हूँ कि कल धूप निकलेगी, और आज भी धूप नहीं निकली। अब कल सबत का दिन है, कल पाक सबत का दिन है, कल हमें चर्च जाना, अब ये ना हो कि कल भी धूप ना निकले। एनीवेज, लेकिन आज द सैटरडे है, द प्री सबत, सो वी हैव टू। So what we all do in this pre-sabbath, the first thing to do is to pray, obviously, until unless you're not talking to your God, how can you even think ke aap apne khuda se pyar karte ho aur aap ek connection mein ho, aap matlab samajh rahe ho na meri baat? To sabse pehle hum khuda se baat karenge, we are going to talk to him, we are going to tell him everything, and hum karenge scripture reading and stuff like that. Uske baad ji hame aaj mera hair wash day bhi hai, ki kal sabbath hai, कपड़े रेडी करने हैं, बहुत कुछ है, तो बने रहना पूरे व्लॉग में, मुकम्मल वॉच करना, स्किप मत करना, और बी ए वाईटी, मेरी वाईटी फैमिली बनो, मेरी कमाया फैमिली बनो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो गाइस, आज का मेरा प्लान है जी वॉशरूम की क्लीनिंग करना। आप देखना थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है अभी, तो मैं ऐसी करने वाली हूँ जी डीप स्लीप, द स्लीप, द स्लीप, द डीपेस्ट क्लीनिंग एवर। ते मामा को मैंने बोला, आज मैंने यहाँ की मामा ने लाइट भी जगा दी है, तो चलो जी अब मैं करने वाली हूँ यहाँ की डीप क्लीनिंग, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिफोर दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये इसका बिफोर है, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाऊंगी आफ्टर। सो गाइस, फाइनली क्लीनिंग हो चुकी है, वाइट शॉट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं वो बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक है। विंडोज़ वगैरह पूरी मैंने क्लीन की है, टाइल्स मैंने अभी क्लीन की है, पॉट मैंने हाथ से अच्छे साफ किया है, ये मैंने वर्ड्स लगाई है बिकॉज क्लीनिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जी मेरा वॉश एरिया पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब जो लेफ्ट ओवर सामान मैंने पहले वॉशरूम में रखा था, जो अब मैं नहीं रख रही हूँ, अब मुझे ये साउट आउट करना है, मैं इसका क्या करूँ। वॉशरूम क्लीन करते करते मेरी चप्पल पूरी गीली हो गई है, इतना गंदा लग रहा है इसको पहनना ना, अभी देखती हूँ कुछ करती हूँ साउट आउट। उसके अलावा जी मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, ये वाले बैग में तो मैंने कपड़े रखे हैं ऑब्वियसली, ऊपर वाले ब्लैक बैग में मैंने रखे हैं राशन,
थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती आपको पता है, और दो छोटी कुशंस, और ऐसे मतलब जनरल सामान रख लिया। तो ये जी मेरा सामान मुकम्मल पैक हो चुका है। उसके अलावा मैं बैकपैक रखूँगी, वो मेरा सामने जो बैकपैक आप देख सकते हो, ये वाला बैकपैक। और सफाई हो चुकी है, अपना रूम भी मैंने ठीक कर लिया है, और ये मैंने कुछ नया एड ऑन किया अपने रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी विंग्स हैं। तो अभी जी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मेरा। तो नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली होने वाला है नहाना, साफ होना और कपड़े चेंज करना ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बाथरूम साफ किया है, मैंने रूम की सफाई की है। आई फील लाइक आई रियली नीड अ बाथ राइट नाउ। तब मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। पर प्रॉमिस है कि जरूर से आपसे शेयर करूंगी, और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, प्रॉमिस पे प्रॉमिस। सो गाइस मैं नहा धो चुकी हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है नहा के। तो आज मैंने पहना है ऑल वाइट, अरे मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। और भाई ठंड है भी है नहीं भी है, फॉग वगैरह नहीं है सच, धूप भी नहीं निकली है, थोड़ा ग्रे वेदर है, भाई ठीक है, इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि शदीद की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अब मेरा ये प्लान है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आई डोंट नो भी क्या टाइम हो रहा है, अभी 3 बजने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आधा घंटा वर्कआउट करूँगी और उसके बाद ही मैं अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लूँगी। तो अभी करते हैं वर्कआउट और फिर करते हैं अपनी फर्स्ट मील ऑफ द डे। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, ऑल वाइट, इट्स अ वाइट पैंट्स एंड दिस अ वाइट हुडी विद माय ब्लैक ब्लैक सॉक्स व्हिच आर नॉट दैट। इसे बाल लगे, धुले हुए बाल हैं तो डॉग्स के, तो ऑब्वियसली I can't do anything for that. तो गाइस वर्कआउट करने के बाद मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया पिया, और मैं बस बैठ गई, लाइट चले गई थी और हीटर नहीं चल रहा था, और ऐसे पैर एकदम शदीद ठंडे हो रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा मन होता ना ख़राब, ठीक सारी था। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद बस मैं बैठी, थोड़ा टीवी देखा, और फिर लाइट आई, तब जाके मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और जो हमारे एग बॉयल किए थे वो खाए। मुझे एग उबले अंडे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट मैंने फिर भी खाए, चलो अच्छी चीज़ है खाने की, है ना, तो खाए, खुदा का शुक्र किया। तो जी अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो ऐसे मेरा लंच का तो कोई भी मैं क्या कह रही हूँ, मैं लंच क्यों बोल रही हूँ, डिनर 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 का ये सीन है, मत उसी की खाओगे डिनर च, वही इनको लगता है बहुत ज्यादा पसंद आ गई मलाई बोटी, कल से लगातार मलाई बोटी खा रहे हो, वो पता है क्या ज्यादा था, वो ज्यादा था हाँ। और ये दो लोग हैं और इन्होंने ये सोच के बनाया मैं ही भी खाऊंगी, लेकिन मैंने क्या एक ही बार खाया, मुझे नॉन वेज ज्यादा पसंद नहीं है, मैंने इनकार कर दिया, मैंने इनकार कर दी। दही पई, दही नहीं पी बिल्कुल भी नहीं, चलो देखते हैं, अगर अभी दही आ जाती है तो मैं बनाऊंगी जी ब्लिंकिट, तो मंगाला पुडिंग ब्लिंकिट आ ही नहीं रहा आजकल इधर, अच्छा पता नहीं क्या नाटक है ब्लिंकिट का, अगर एक दिन मैं मशहूर होगी ना ब्लिंकिट, तो मैं सच बता रही हूँ खिलाफ वीडियो बनाऊंगी मैं किसी वायरल होगी तो देखना, अचानक से फिर गया ब्लिंकिट। दूसरी एक चीज जो मैंने नई सीखी है ना बनाने की, सिलाई नहीं, नहीं सीखी मैंने, सीखी है सूजी का, मेरा हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन वे प्रोटीन वाला हलवा, उसे कुछ नहीं करना, आपको हलवा बनाना है नॉर्मल सूजी का, मामा आपको कुछ नहीं करना
आप खुद ही बना लो। नॉर्मल हलवे में आपको, हाँ मैं बना लूंगा सीरियसली, मजाक नहीं, उसमें आपको डाल देना है वे प्रोटीन। अभी काम कुछ भी नहीं है, घी घी हेल्दी होता है इनफैक्ट, है ना, जिनको मेरे पे यकीन नहीं है वो क्या नाम उसका, नहीं यार उसका, उसका नाम लेना नहीं आता मुझे, वो जिसकी बॉडी है बहुत ज्यादा, उसका नाम मुझे यजिंदर सिंह, हाँ उसका वीडियो देख लो, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनंसिएट कर रही हूँ, अभी माशाहूर हूँ नहीं, मेरा देखेगा ही नहीं वीडियो। तो वो भी कहता है जी गुड फैट लेना चाहिए, और तमाम लोग कहते हैं यार गुड फैट लेना चाहिए, तो आपको आपको सॉरी देसी घी में सूजी, सूजी में वे प्रोटीन। हिम्मत करके बनाने जा रही सूजी का हलवा, ये डाल लिया मैंने देसी घी, मैं देख कितनी सूजी डालू देखना है। तू दस ना मैनू कितनी पावा, हिला मामा हिला, क्या देखो मेरी सूजी का हलवा रेडी, आई होप ये हो जाएगा, बस मुझे क्रेविंग हो रही है, वो क्रेविंग तो एटलीस्ट मेरी दूर होगी इससे मेरे ख्याल से, तो अभी इसको हिलाते हैं, इसको हिलाते रहना है ना मामा, अब इसे पानी डाल दो थोड़ी देर में, ये ब्राउन करने ठीक है। अब गाइस मैं इसको ब्राउन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने बनाया और इतना ही कोई मजे का बना ना, मजा आ गया। चलो जी मैं खाती हूँ आपको बताती हूँ, मजा आ गया।